पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं काफी आम हो चुकी हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। एक जहां पे पिछले दिनों हैदराबाद में गैंगरेप हुआ और उसके बाद बच्ची को जला दिया गया, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी गैंगरेप के आरोपियों ने महिला को जला करके मार डाला। इधर बिहार में भी दरभंगा, बक्सर और समस्तीपुर में रेप की घटनाएं हुई हैं। पहली घटना बक्सर में देखी गई, जहां पर बच्ची को रेप किया गया, उसके बाद उसे जला दिया गया। दूसरी घटना समस्तीपुर में हुई, यहां भी ठीक वैसी स्थिति की गई। और तीसरी घटना दरभंगा में हुई, जहां पे एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। इन तमाम मामलों को लेकर के बिहार में आक्रोश है। पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज इसी क्रम में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेताओं ने कैंडल मार्च का आयोजन किया और अपना विरोध दर्ज किया। आपको याद दिला दें कि हैदराबाद रेप की घटना के बाद पुलिस ने इनकाउंटर बता करके 4 आरोपियों को गोलियों से मार डाला है। इसके बाद देश में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसको अच्छा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे यह मान के चल रहे हैं कि कानून को पुलिस अपने हाथ में नहीं ले सकती। ऐसे में ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भी लगातार रेप की घटनाओं के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इस तरह के विरोध प्रदर्शन से कुछ बदलेगा। आपको फिर हम याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार के डीजीपी ने हाल ही में कहा था कि अपराध की घटनाओं को अकेले पुलिस नहीं रोक सकती, जब तक कि समाज और सिस्टम का उसको सहयोग न मिले। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपराध एक संस्कृति है और जब तक हम अपराध की संस्कृति को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपराध से मुक्ति नहीं पा सकते। डीजीपी ने जो भी कहा हो, लेकिन सच यह है कि समाज में हिंसा और अपराध के खिलाफ लोगों में प्रबल आक्रोश है और उसी आक्रोश का नतीजा हम कैंडल मार्च और अलग अलग तरह के प्रदर्शनों के रूप में देख सकते हैं।